आपको पता है कि यूपी कांस्टेबल एक पंचवर्षीय भर्ती योजना है जो 2018 के बाद अब 2023 में भर्ती आई है, और भर्ती कोई एक दो या चार पाँच हजार नहीं है, भर्ती है 60,244। और यूपी में कांस्टेबल का और दरोगा का पद इतना बड़ा है कि कोई आदमी अगर आईएएस भी बन जाए तो उसके घर वाले कहते हैं कि थोड़ी और पढ़ाई कर लेता तो शायद दरोगा बन जाता। तो हम YouTube पे फ्री सभी बच्चों को मैथ्स का बैच कंप्लीट करवाएंगे जो सभी बच्चों के लिए फ्री होगा, और इतनी गारंटी है कि आप उससे पढ़ के यूपी कांस्टेबल में पूछे जाने वाले सारे सवालों को सही करके आएंगे। हाँ प्रत्युष। अरे बबलू भैया से मिलने नहीं चलोगे? कहाँ हो? अरे हम तो आ गए अपने रूम पे। अरे चलो यार, तुमको पहले ही बताया थे, आज ही का टाइम दिए हैं, फिर बिजी हो जाएंगे वो। अच्छा ठीक है, आते हैं आते हैं। गारंटी है सर? गारंटी तो है, लेकिन 15 लाख का जुगाड़ करना होगा। 15 तो बहुत ज़्यादा है सर। यूपी पुलिस की नौकरी है, इतना पैसा तो एक महीना में कमा लोगे। और एक बार बन जाओगे ना तो हर छठी चौराहे पे लोग सलाम ठोकेंगे तुम, और अपने प्यारे भारत देश में तो घूस भी नहीं लेना पड़ता, लोग खुद श्रद्धा से आके दान करेंगे तुझे। सर पर मेरा सपना पुलिस बनने का है, ये घूस पैसा। सर 15 लाख तो ज़्यादा है सर, दो चार लाख में नहीं होगा सर। गुप्ता जी ये कॉन्टैक्ट हो तुम लोग, इसलिए बात भी कर रहे हैं सालों तुमसे। तो 4 लाख का क्या वैल्यू है आज के जमाने में? 10 कर दीजिए। 10? भाई 10 लाख बहुत ज्यादा है भाई। 10? अब कोई बहस नहीं, चल चल चल। सुनो, 5 अभी। 5 अभी? हमारे धंधे में बात से बात नहीं बनती, पेमेंट करना होता है नीचे से लेके ऊपर तक। 5 अभी करो, 5 बाद में। लेकिन सर नेक्स्ट। अरे भाई गांव का होके इतना नहीं बताएगा भाई। लहसुन कैसे है भैया? 500 रुपए किलो। अरे भैया स्टूडेंट वाला रेट बताइए, किलो वाला मत बताइए। कितना लेना है? दे दीजिए 20 रुपए का। भाई भाई कुछ बता यार, गांव का होके तुम ऐसे करेगा? ये आलू कैसे है? 50 का 2.5 किलो। और ये प्याज? 30 रुपए किलो। और टमाटर किसे है? टमाटर को गोली मारो यार, हमको बताओ भाई। मैथ में कमजोर थे तो गगन सर का यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास देख देख के कॉन्फिडेंस ले लिए, पर अभी एग्जाम के 2 महीने हैं भाई, तुमको क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। अरे ये पुलिस का नौकरी है, कोई यूपीएससी का नहीं। बार बार बोल रहे हैं 10 लाख रुपए का जुगाड़ करो, घुस दो और एग्जाम निकाल लो। दे दीजिए भैया टमाटर। कितना? 1/2 किलो। भाई ऐसा है कि हमको भी पता है, हम भी गांव पे रह रहे होते, बिजनेस कर रहे होते और पैसा से पैसा बना रहे होते। देख भाई बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ दो ही तरीका, या तो बढ़िया से तैयारी करके एग्जाम निकाल लो या फिर 10 लाख रुपया जुगाड़ करके नौकरी निकाल लो। कोहना कैसे है भैया? बहुत महंगा है। चल चुका। पैसा दे दो। 2 रास्ते हैं, उसमें तुमने पहला चुना, मैंने दूसरा। हाँ क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है भाई, और मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम अपना देखो हम अपना देखो। लोग कहते हैं कि सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, गलत कहते हैं, अगर पैसा हो तो हर चीज का शॉर्टकट। हम दिखाएंगे तुमको कि हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट शॉर्टकट ही होता है। चालीस लाख अभ्यर्थी और 60,000 पुलिस भर्ती का आज पहला दिन है।
और खबर आ रही है कि पेपर लीक हो गया है। इस तरीके से 48 लाख अभ्यर्थी का भविष्य हाशिए पर है। नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी फोर्थ पिलर। ये पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आते रहती है। सरकार इस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीच के लोग कहां मानते हैं। कहीं ना कहीं से पेपर लीक हो ही जाता है। आयोग द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है, जिसे इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखना ये है कि एग्जाम की प्रक्रिया दोबारा होगी या ये भर्ती भी कोर्ट के चक्कर काटेगी। सर, सर कुछ लड़के मिलने आए हैं, कब के टाइम शेड्यूल करना है? थोड़ी देर में मिलते हैं उनसे। कैसा हुआ एग्जाम भाई आपका? सही है सर। पर जो आपकी जो लास्ट में 20 क्लास कराई है यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल, सब बिल्कुल एग्जैक्ट उसी में से पेपर आया एग्जैक्ट जी सर। और 5 मॉक टेस्ट कराए थे ना आपने, उसमें से बहुत हेल्प मिली है सर। 100% पेपर उसी में से आया था, पर क्या करें सर, पेपर लीक हो गया सर। देखिए इतनी जल्दी हार मत मानो भाई, सरकार जांच कर रही है, सरकार पर भरोसा रखो। अभी से हार मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। हार मान गए हैं सर, कैसे ना माने हार सर। शुरुआत में हमारे पास भी दो रास्ते थे, एक तो आप जैसे टीचर से पढ़ना और खुद के दम पे भर्ती लेना, और दूसरा सर 10 लाख रुपए देकर के सिगरेट के धुएं के साथ नौकरी ले लेना। और हमने सर पहला चुना, कहे कि ये दूसरा वाला हम लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए हमेशा से बंद ही रहता है रास्ता सर। पार्ले जी बिस्किट खा के किताबों में घुसे रहे सर, फिर भी क्या मिला, हार गए ना सर। हमको तो लगता है ना सर, ये कंपटीशन हम जैसे स्टूडेंट्स का है ही नहीं, पैसों का है सर, और इसमें भी हम हार ही जाते हैं सर। नोटिफिकेशन के इंतजार में ओवर एज हो जाते हैं, नोटिफिकेशन मिलती है तो 6-6 साल तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होता सर। एग्जाम हो भी गया ढंग से तो रिजल्ट नहीं आता है, कितनी तो वैकेंसी होने से पहले सीट बुक हो जाती है सर। चाहे वो सर झारखंड ले लो, राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, लगभग सारे स्टेट एग्जाम का यही हाल है सर। देखिए ऐसा नहीं है भाई, सेम प्रॉब्लम फेस किए हुए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे और वो आज सब सक्सेसफुल हैं और सब लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोबारा मौका जरूर मिलेगा और उस मौके को छोड़ना नहीं है, दोबारा मौका जाना नहीं चाहिए आज से। दोबारा सर, दोबारा फिर से स्टेशन पे भूखे पेट लाश की तरफ पड़े रहेंगे सर। दोबारा मम्मी का फोन आएगा और बोलना पड़ेगा, हाँ मम्मी हमने रूम ले ली, खाना खा लिया, सब कुछ ठीक है। दोबारा ट्रेन के डब्बों में भेड़ बकरियों की तरह कसे जाएंगे सर। दोबारा पार्क में आधी रात को सड़क पे एग्जाम का इंतजार में भटकते रहेंगे सर। और एग्जाम देने के बाद सर दोबारा सुनेंगे कि पेपर लीक हो गया। ये दोबारा बार बार क्यों होता है सर? सब कुछ एक बार में सही क्यों नहीं होता है सर? ऐसे मत टूटो मेरे भाई। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके वो हल होते हैं, और ये तो जिंदगी का सवाल है। अगर एक एग्जाम यूपी कांस्टेबल में ऊपर नीचे हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म होगी। आपने मुझे 100% दिया, बस काफी है, अब भगवान ऊपर से देखेगा, आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आगे के जो पेपर हैं उनकी तैयारी लगातार करते रहिए, उठेंगे, जीतेंगे, सिलेक्शन लेंगे, लड़ाई करेंगे, दायरे में रहेंगे।